भदोही से एसपी विधायक जाहिद बेग पर बंधुआ बाल श्रम सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। अखिलेश यादव खामोश। समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र पाल बहादुर रेप का आरोप। अखिलेश यादव खामोश। साजिद अली समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी के करीबी नाबालिग से रेप का आरोप। अखिलेश यादव खामोश। समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद मोहित खान गैंगरेप का आरोप। अखिलेश यादव खामोश। एसपी नेता नवाब सिंह यादव किशोरी से दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल मैच। अखिलेश यादव खामोश। लेकिन सुल्तानपुर मुठभेड़ पर अखिलेश रोज बोलते हैं। हाई प्रोफाइल डकैती मामले के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश हर दिन कुछ ना कुछ कहते हैं। इतना तो दिमाग रखते कि चप्पल पहन करके खून बहते हुए तस्वीर ना खिंचवाते, और फिर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड कोई और था, मुख्य सरगना कोई और था। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं इनकाउंटर किया, क्या वजह थी? क्योंकि आप सुन के वापिस आ गए होंगे, कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा। मौसम यूपी में उपचुनाव का है, मुद्दा यादव के एनकाउंटर का है, लिहाजा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। अखिलेश के निशाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, योगी सरकार की पुलिस है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए, और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव मंगेश यादव एनकाउंटर को वोट मैग्नेट बनाने की जगत में जुटे हैं, क्योंकि यूपी में देर सवेर 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। ऐसे में अखिलेश का एक टारगेट बीजेपी के खेमे से बचे खुचे यादवों को वापस लाना है, क्योंकि दावा किया जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यादवों के एक बड़े वर्ग ने बीजेपी को वोट दिया था। एक सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 15% यादव वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 82% यादव वोट मिला। ऐसे में अखिलेश यादव की नजर उन 15% यादव वोटों पर अटकी है जो बीजेपी से जुड़े हैं। अब सुल्तानपुर एनकाउंटर को आगे रखकर अखिलेश यादव योगी सरकार को घेर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर लगातार सियासी तीर छोड़ रहे हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, नहीं नहीं अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई, डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60-70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? अखिलेश के टारगेट पर योगी हैं, योगी सरकार के मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, योगी सरकार का एक्शन है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। योगी भी यूपी के उपचुनाव को अपनी एक खास प्लानिंग के तहत आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक कर सियासी दाव आजमा रहे हैं। दुर्भाग्य से और ज्ञान बापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान बापी साक्षात विश्वनाथ ही है। योगी आदित्यनाथ का ये ज्ञान बापी वाला दाव है। सियासत पर पकड़ रखने वालों का मानना है कि ऐसा बोलकर योगी यूपी के उपचुनाव को अपनी पिच पर लाने की कोशिश में है। शनिवार को गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की 2 दिवसीय संगोष्ठी हुई। उसी संगोष्ठी में योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया। ज्ञानवापी पर योगी का बयान ऐसे वक्त में आया जब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं, इसलिए वो आए दिन योगी सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं। लेकिन वही जब बात अपनी पार्टी के नेताओं की आती है, उन पर लगे आरोपों का जिक्र होता है, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। सबसे ताजा आरोप भदोही विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग और उनकी बीवी पर लगा। जाहिद बेग के साथ उनकी बेगम को भी आरोपी बनाया गया।
दोनों के खिलाफ बदुआ बाल श्रम समेत और भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। उन बातों पे जो प्रथम दृष्टया कई जो अपने अधिनियम हैं उसका उल्लंघन पाया गया, जैसे लेबर एक्ट का इसमें उल्लंघन पाया गया और बॉन्डेड लेबर जैसी यहाँ पे स्थिति जो है इनके घर में चल रही थी। और ये भी बात सामने आई कि एक और लड़की भी यहाँ काम करती थी जिसकी शादी 22 में इन्होंने कर दी थी। तो नाबालिग बच्चियों को घर पे रख करके और उनसे घरेलू काम करके, तो इसमें शोषण की बातें भी जो जॉइंट टीम की जो रिपोर्ट है उसमें सामने आई है। दरअसल विधायक के घर काम करने वाली नाबालिग नौकरानी ने आत्महत्या की। भदोही जिले में उनके घर से एक नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ था। नाबालिग लड़की सोमवार को फंदे पर लटकी मिली थी। उसके बाद पुलिस ने श्रम विभाग के साथ छापा मारा। एक और नाबालिग लड़की जाहिद बेग के घर से आजाद कराई गई। श्रम विभाग की जांच में सामने आया कि विधायक दोनों लड़कियों को प्रताड़ित करते थे। मुकदमे में नौकरानी के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप है। आरोप है कि प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग नौकरानी ने आत्महत्या की। जांच के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग और उनकी बीवी पर नाबालिग नौकरानी से मारपीट, बाल बंधुआ मजदूर और काम के बदले मजदूरी नहीं देना सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। जाहिद बेग दो बार से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक है। अखिलेश के इस विधायक पर घरेलू नौकरानियों को बंधक बनाकर काम कराने का आरोप लगा है। विधायक की मुश्किलें बढ़ गई और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, लेकिन इसे लेकर अखिलेश ने अभी तक मुंह नहीं खोला। लेकिन अखिलेश की पार्टी के ये एक ऐसे इकलौते नेता नहीं है, ये वीरेंद्र पाल बहादुर हैं। एक लड़की से रेप के आरोप में घिरने के बाद फरार हैं। इनकी पहचान अखिलेश यादव की पार्टी के नेता के तौर पर है। माफिया मुख्तार अंसारी का फाइनेंसर भी इन्हें कहा जाता रहा। ये जनाब साजिद अली हैं। नाबालिग से रेप के मामले में फंसने के बाद ये भी अंडरग्राउंड है। इन्हें रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी के करीबी कहा जाता है। एक बार स्वार विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, अयोध्या के मोइन खान, कन्नौज के नवाब सिंह यादव को प्रोटेक्ट करने के लिए अखिलेश यादव के पास एक शब्द भी नहीं है। ऐसा का कहना कि कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसको लखनऊ ले जाकर रेप किया गया, वीडियो बनाया गया। कई सारे बातें बताई गई हैं, जो आपने बताया वो भी एक उसमें से तथ्य है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया था, तो उल्लेख किया गया। क्या वो पैसा भी महिला का आरोप है कि मुझसे पैसा भी लिया गया और मेरा जो वीडियो भी डिलीट नहीं किया गया, बराबर जो है ब्लैकिंग किया जा रहा है। देखिए, इनके द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसमें सारी चीजें वर्णित उन्होंने किया। जो प्रथम हमारे पास जो सूचनाएं हैं वो सूचना के प्रश्नों के रूप में है। मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर नर्सिंग होम को सील भी किया गया है। इसमें जो लड़की है, लड़की के पिता का आरोप है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, तो क्या ऐसा भी कुछ मामला है? नहीं, बालिका के द्वारा अपने बयान में सिर्फ साजिद के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात बताई गई है और उसके भी धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए कार्रवाई की जा रही है। वीरेंद्र बहादुर पाल को कभी मुख्तार अंसारी का दायां हाथ माना जाता था। मुख्तार अंसारी की मौत से पहले उसके गैंग का फाइनेंसर रहने का इस पर आरोप भी लग चुका है। आरोप है कि वीरेंद्र बहादुर पाल माफिया मुख्तार के गुर्गों को पैसे भी पहुंचाया करता था, लेकिन उसी वीरेंद्र बहादुर पाल पर लड़की के साथ एक साल तक हैवानियत करने का इल्जाम लगा है। वीरेंद्र बहादुर पाल की मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास के साथ वाली ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दावा किया जा रहा है कि मुख्तार कनेक्शन की वजह से ही वीरेंद्र बहादुर पाल की पहुंच मुलायम परिवार तक पहुंच गई। लेकिन वही वीरेंद्र बहादुर पर दरिंदगी का आरोप लगा तो गिरफ्तारी के डर से मारा मारा फिर रहा है। मुख्यमंत्री योगी इसीलिए समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया पर हमलावर हैं। बेटियों के साथ अन्याय करने वालों को सख्त संदेश दे रहे हैं। एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो निर्दोष है। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी का इस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसमें जो शख्स साथ नजर आ रहा है वो साजिद अली है। बीते कुछ दिनों में साजिद अली फरार है क्योंकि नाबालिग ने उस पर दुष्कर्म और किडनैपिंग का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक साजिद अली ने अपने साथी के साथ मिलकर नाबालिग को किडनैप किया।
और फिर कार से अलग अलग जगह पर ले गए जहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। किसी तरह पीड़िता ने अपनी लोकेशन बताई जिसके बाद एक आरोपी पकड़ लिया गया, लेकिन साजिद अली वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन इसे लेकर कुछ बोलना तो दूर अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी करना मुनासिब नहीं समझते। कहने को तो साजिद अली ने पीस पार्टी के साथ चुनाव लड़ा है, लेकिन उसके तार अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के सांसद से जुड़ गए। यही नहीं, टोल टैक्स को लेकर बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश यादव अयोध्या गैंगरेप को लेकर बैकफुट पर है, लेकिन मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अखिलेश यादव के आरोप निराधार बताए। डीजीपी ने इस आरोप को एक सिरे से खारिज किया कि जाति देखकर कार्रवाई होती है। डीजीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में दिख भी रहा है कि सुल्तानपुर में हुई डकैती में मंगेश यादव शामिल था। डीजीपी ने दो टूक कहा, कार्रवाई बहुत ही निष्पक्ष और साक्ष्य के आधार पर हुई। लेकिन अखिलेश यादव इस मामले में हथियार डालने को रेडी नहीं। गुपचुप तरीके से अखिलेश ने मंगेश यादव के परिवार को मिलने बुलाया। शुक्रवार को मंगेश यादव के परिवार को अपने लखनऊ वाले आवास बुलाकर उनसे मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक अखिलेश यादव ने परिवार से मुलाकात की। अखिलेश के असिस्टेंट से साफ है कि वो मंगेश एनकाउंटर को हर हाल में लोगों के जहन में जिंदा रखना चाहते हैं। वहीं जब अपनी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोपों की बारी आती है तो खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।